नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण एवं संपूर्ण क्वेश्चनों के अध्ययन के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले एवं जल्दी मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस निःशुल्क YouTube एप्लीकेशन पर चल रहे इस वीडियो सीरीज का लाभ ले सके। तो आइए चलो देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोग्रेशन से आप क्या समझते हैं। तो आइए चलो देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं, कोई दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो आइए चलो देखते हैं कायिक प्रवर्धन। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन में शब्द दे रखा है कायिक, इसका अर्थ समझना है। कायिक का मतलब होता है काया, ठीक है। कायिक का मतलब होता है काया, और काया किसको बोलते हैं हम, शरीर को, ठीक है। तो बस आपको इस शब्द को पकड़ना है, कायिक का मतलब होता है काया और काया किसको बोलते हैं हम, शरीर को, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसके शरीर की बात हो रही, मानव के नहीं, ठीक है, इसमें बात हो रही है पौधे के शरीर की। और आप सभी जानते हैं कि जो पौधे का शरीर होता है, ठीक है, जो पौधे का शरीर होता है उसमें जड़, तना और पत्ती, ये भाग उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देखते हैं। किसी पौधे के वृद्धि भाग यानी जो भाग वृद्धि करते हैं उनकी बात हो रही है। किसी पौधे के वृद्धि भागों जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा नया पौधा तैयार होना कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोग्रेशन कहलाता है। यह आलैंगिक जनन का ही एक रूप है जिसमें पौधे के केवल वृद्धि, ठीक है, यहाँ पे वृद्धि आएगा, वृद्धि भाग ही भाग लेते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि कायिक का मतलब होता है काया और काया का मतलब होता है शरीर, यानी जो पौधे का शरीर है उसमें जड़, तना और पत्ती, ये भाग पाए जाते हैं। अगर इन भागों के द्वारा एक नया पौधा तैयार हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन या वृद्धि प्रवर्धन, या फिर हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, ठीक है। यह आलैंगिक जनन का ही एक रूप है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है कि आलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। आलैंगिक जनन का मतलब होता है कि ऐसी प्रजनन क्रिया जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पौधे सिर्फ एक पौधे से क्या कर रहे हैं, हम पौधे के जड़ से, तना से, पत्ती से एक नया पौधा बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ एक जीव भाग ले रहा है, माने यानी एक पौधा, यानी एक पौधा ही भाग लेता है और उससे क्या होता है कि नया पौधा बन जाता है। इसके उदाहरण है अदरक और ब्रायोफिलम, ठीक है। अदरक को आपने सब ने देखा है कि जो अदरक है, ठीक है, उसमें जो नोड्स पाए जाते हैं, ठीक है, अदरक को आपने देखा है इस कंडीशन में होता है, ठीक है। अदरक में जो ये नोड्स होते हैं, इन नोड्स से क्या होती है कि इन नोड्स से यहाँ पे ऐसी कलिकाएँ बन जाती हैं और एक नया पौधा बन जाता है। उसी तरह आपने ब्रायोफिलम का पौधा भी देखा होगा, ठीक है। ब्रायोफिलम को हम बोलते हैं अजूबा का पौधा या फिर पत्थर चट्टा। जो ब्रायोफिलम है, जो इसकी पत्तियाँ होती हैं, इनकी पत्तियों के किनारों से क्या होते हैं कि यहाँ से कलिकाएँ बनती है, ठीक है, इन किनारों से कलिकाएँ बनती हैं और एक नया ब्रायोफिलम या फिर अजूबा का पौधा बन जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने मित्रों को, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।